अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड, एनर्जी माइनिंग एवं भारी उत्पाद विभाग रे एटीएल को एही पुरस्कार मिली। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड हेउची अदानी ग्रुप रो अंशीदार कंपनी जहार शक्ति वितरण एवं ट्रांसमिशन क्षेत्र रे जथेष्ट अभिज्ञता रहिछि। एटीएल को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री रो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम 2.0 ओरिएंटेशन अवार्ड मिली। परिवेश अनुयायी नमनीय हेबाकु एही पुरस्कार प्रोत्साहित करिवो। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को ओरिएंटेड विभाग रे एही पुरस्कार मिली। परिवेश परिवर्तन को नहीं देखा देथिबा समस्या एवं प्रभाव, क्लाइमेट रिस्क, कंपनी रो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, संस्था द्वारा अपना जाइथिबा फ्यूचरिस्टिक डीएचजी एमिशन आदि परिवेश परिवर्तन सह लड़िबारे प्रभावशाली हेबो। एटीएल एही पुरस्कार नीति आयोग प्राकृतिक संबल एवं परिवेश परिवर्तन उपदेष्टा अविनाश मिश्रों ठारु ग्रहण करिछन्ति। वर्तमान स्थिति रे एटीएल रो दीर्घकालीन एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस बेस प्रभावशाली होईछि। एहा सह एटीएल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरण करबाकु लक्ष्य रखिछि। परिवेश परिवर्तन नै एटीएल रो प्रतिश्रुति ईएसजी स्ट्रेटेजी रे प्रदर्शित होई सारिछि। 2021-22 आर्थिक वर्ष रे एटीएल नेट जीरो एवं एसबीटीआई 1.5C ट्राजेक्टोरी पाई प्रतिश्रुतिबद्ध। ଭାରତର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କାମ କରିବା ଦିଗରେ ଏଟିଏଲ୍ ହେଉଛି ଇଏସ୍ଜି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପଞ୍ଚମ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।